नमस्कार, इंडियन म्यूज़िक आर्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि गिटार कैसे बजाएं, कैसे सीखें बेसिक्स कुछ गिटार के। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बार कॉर्ड, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कैसे बार कॉर्ड बजाते हैं। बेसिक जो बार कॉर्ड है हमारा फर्स्ट शेप जो है एफ मेजर और एफ माइनर का। बार कॉर्ड किसे कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर को हम लोग बार करते हैं पूरे 6 स्ट्रिंग्स के ऊपर। आपको और जानना है तो आप डेफिनेटली पिछला वीडियो देखिए। तो हमने, जैसे मैंने बोला कि पहला जो देखा था वो फर्स्ट शेप मेजर, फर्स्ट शेप माइनर हमने देखा था। आपने डेफिनेटली ट्रांसपोज का प्रैक्टिस किया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं थर्ड शेप मेजर और थर्ड शेप माइनर। अब थर्ड शेप मेजर माइनर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका थर्ड शेप मेजर या फिर, और ये हुआ आपका थर्ड शेप माइनर। अब इसको कैसे बजाते हैं या कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ पूरा सीक्वेंस। तो हमने ए मेजर ए माइनर सीखा था, आपको याद होगा। तो ये है आपका ए मेजर, ये है आपका ए माइनर। सिमिलरली जैसे हमारा ई मेजर से शिफ्ट करके हमने एफ मेजर सीखा था पिछले वाले वीडियो में, सेम हमारा यहाँ पे भी एक ही कॉन्सेप्ट है। हमारा ए माइनर को बस मैंने अपना फिंगर चेंज करके पकड़ा है, उसको शिफ्ट किया और बार। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड शेप आता है। अब इसको हम सीखते हैं, हम लोग सीखेंगे सी का। यहाँ पे बी फ्लैट बजता है लेकिन हम लोग सी से सीखेंगे, क्योंकि सी लिखने में भी थोड़ा इजी है, बी फ्लैट अभी थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम लोग सीखेंगे सी। तो हम लोग सीखेंगे सी मेजर थर्ड शेप और सी माइनर थर्ड शेप। पहले हम लोग माइनर शेप सीख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, फिर हम लोग मेजर शेप पर चलेंगे। तो माइनर शेप बहुत 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 ईजी है, इसको हमें ये बजाना है। समझ लीजिए हमारा एफ मेजर था ये, ठीक है। इसको हमने ट्रांसपोजिशन सीखा था, तो एफ एफ शार्प जी, ये आपको पिछले वीडियो से याद होगा डेफिनेटली। तो समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब जी मेजर फर्स्ट शेप पे। अब हमें करना ये है सी माइनर थर्ड शेप बजाने के लिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ई मेजर से हम लोग ए माइनर पे गए थे, सेम शिफ्ट आपको यहाँ भी करना है। ई मेजर से ए माइनर वाला शिफ्ट आपको जो पहला जो आपका जो बेसिक फोर कॉर्ड का वीडियो है आपको वहाँ मिल जाएगा, कि ये जो आपका तीन फिंगर है सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये आपका अभी है फिफ्थ स्ट्रिंग पे, फोर्थ स्ट्रिंग पे और थर्ड स्ट्रिंग पे। इन तीनों को ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों को सेम शेप रखते हुए बस एक एक स्टेप नीचे उतारना है। मतलब आपका जो थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट था वो आपका सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट हो जाएगा, जब आपका फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट था वो आपका थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट हो जाएगा, और जब आपका फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट था वो आपका फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सी माइनर। अगर आपको इस चेंज में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो आप डेफिनेटली पहला जो वीडियो था हमारा जिसमें हमने बेसिक कॉर्ड सीखा था ई मेजर से ए माइनर का, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये जो तीन फिंगर है इसको आपको एक स्टेप नीचे उतारना है। तो ये हुआ आपका सी माइनर थर्ड शेप, ये भी काफी इजी है, आपका पूरा 6 का 6 तार बजेगा। और जैसे मैंने बार के लिए बोला था आपको प्रैक्टिस यही करना है, फर्स्ट फिंगर रख के पहले, उसके बाद धीरे धीरे। अब आते हैं मेजर शेप के लिए। मेजर शेप थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें एक नहीं दो दो बार पड़ेंगे आपके। किस तरह से, एक तो आपका रहेगा ये फर्स्ट फिंगर वाला जो अभी तक हम लोग हर एक बार कॉर्ड में यूज कर गए हैं, उसके बाद आपका रहेगा थर्ड फिंगर या फोर्थ फिंगर से हम लोग इसको बजाते हैं। नॉर्मली मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग थर्ड फिंगर का डेफिनेटली सीखें, क्योंकि आपको फ्यूचर में समझ में आएगा। क्योंकि फोर्थ फिंगर आपका यदि अगर खाली रहता है तो आप उसमें से और भी नोट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा कॉर्ड्स आते हैं इसके बाद, वो हम जब अगर अगला सीरीज हुआ तो हम डेफिनेटली उसमें देखेंगे। तो ये हुआ आपका मेजर का शेप, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ पहले। तो ये होता है आपका सी मेजर थर्ड शेप। फर्स्ट फिंगर का आपको बार समझ में आ गया कि आपको पूरा जो थर्ड फ्रेट है उसको आपको पूरा बार करना है फर्स्ट फिंगर से, और जो थर्ड फिंगर है वो आपका फिफ्थ फ्रेट पे रहेगा ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। इन तीनों का जो आपका फिफ्थ फ्रेट है उसको बार करेगा। तो ये आपका, तो आपका हर स्ट्रिंग क्लियर होना चाहिए। आप इसको फोर्थ फिंगर से ही बजा सकते हैं।
आप किसी भी फिंगर से यूज करें, लेकिन आपका हर एक स्ट्रिंग क्लियर बजना चाहिए। अगेन जैसे ये एक शेप है, जैसे मैंने बोले थर्ड शेप है, तो सिमिलरली आप इसको सी माइनर का हो, आप इसको एक स्टेप आगे करें तो आपका सी शार्प माइनर आएगा, आप इसको एक स्टेप पीछे करें बी माइनर आएगा, बी फ्लैट माइनर आएगा, इस तरह से आपका जितना भी माइनर है आप आगे पीछे करके बाकी माइनर कॉर्ड्स भी आप बजा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका सी मेजर रहा तो इस तरह से आप बजा सकते हैं। तो ये जो आपके जितने भी शेप्स हैं ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्रेट टू सिक्स्थ या सेवन्थ या एट्थ फ्रेट भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये थे आपके बार कॉर्ड के फर्स्ट शेप मेजर माइनर, मतलब फर्स्ट शेप एफ मेजर एफ माइनर जो ट्रांसपोज कर सकते हैं अगेन, और थर्ड शेप के सी माइनर और सी मेजर। अब आते हैं इनको एक साथ कैसे बजाया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि बार कॉर्ड में जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी 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 एनर्जी रखती है एक साथ बजाने में, और अगर आपने लास्ट प्रैक्टिस किया हो जो मैंने आपको बताया था कि एफ मेजर ई मेजर इस तरह का, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया होगा तो आपको थोड़ा इजी होगा शायद एफ मेजर बजाने में, एफ माइनर बजाने में अभी। लेकिन अभी और भी दो बार कॉर्ड आ गए हैं, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड है अभी आपको 12 शेप्स आपको पता है, मतलब 8 बेसिक कॉर्ड और 4 बार कॉर्ड के शेप। अब आपको करना ये है कि आपको एवरी शेप के साथ एवरी शेप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा प्रैक्टिस है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें काफ़ी काफ़ी सारे कॉर्ड्स हैं, इसमें टोटल 12 कॉर्ड्स है आपके, जो 12 शेप्स है जो आपको बजाने हैं। तो ईजी से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिछली बार कि पहले जो 8 कॉर्ड थे उनके साथ आपको एफ मेजर बजाना है, फिर पहले 8 कॉर्ड के साथ आपको एफ माइनर बजाना है। अगर मैं सेम प्रैक्टिस अगर सी मेजर के साथ करूँ तो इस तरह से आपका जितना भी कॉर्ड्स आप बजाते रहेंगे डेफिनेटली इन अ सर्कल, और सेम फॉर सी माइनर। अब आपको ये सारे कॉर्ड्स एक साथ बजाने हैं, मतलब एक साथ मतलब इस तरह से। तो हम शुरू करेंगे ओपन कॉर्ड से, तो ई मेजर से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे कॉर्ड्स थे मैंने सारे के सारे कॉर्ड्स बजाए हैं और इनको सीक्वेंस पे रखा है। तो अगेन ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसमें कहीं ना कहीं कभी कभी हो सकता है कि आपका लगे कि नहीं ये सही नहीं बज रहा है या आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अगेन स्टॉप देयर। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि जो कॉर्ड पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कॉर्ड को आप सही करें, उस कॉर्ड को पहले आप क्लियर करें, क्लियर आउट करें, उसके बाद आप सीक्वेंस में आगे जाएं। तो अभी आपको जो अभी आपके पास जो जितने भी चीज़ें हैं आप इनसे कोई भी बेसिक एक स्ट्रक्चर किसी भी जो भी बेसिक गाने हैं जो कि इजी थोड़े गाने हैं आप उनको डेफिनेटली बजा सकते हैं। तो अभी तक जितने भी आपके पास थे अभी कॉर्ड्स हैं, अभी आपके पास टोटल 12 शेप्स हैं, स्केल्स हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम ले आराम से, डेफिनेटली अच्छी तरह से ईच एंड इंडिविजुअल टॉपिक को आप प्रैक्टिस करें, आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जो सोच के आपने ये सीरीज शुरू किया था, जो सोच के आपने ये इंस्ट्रूमेंट अपने अपने हाथ में लिया था, तो हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एक ईजी एक गाना हम लोग साथ में बजाएंगे, और उसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जितने भी अभी तक जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी थ्योरीज है, जो भी आपने देखा है, स्केल्स कॉर्ड जो भी है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से बजाएं, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग कोई भी गाना सीखे तब आपको बार बार वापस ना जाना पड़ेगा यार ये कॉर्ड कौन सा था, ये कॉर्ड कौन सा था। तो एनीवे ये रहा आपका एकदम बेसिक गिटार का कुछ थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल जो आपने देखा। प्रैक्टिस करें, और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।